हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमंत सैनी, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं फिर से एक बार डिज़ाइन इंस्पिरेशन चैनल के ऊपर। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेलिंग्स के बारे में, हाउ टू क्रिएट रेलिंग इन स्केचअप। तो आज हम स्केचअप के ऊपर रेलिंग बनाने वाले हैं, एक बेसिक जो रेलिंग के जो मॉडल होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो वही मैंने जो प्लान लिया है, 3D लिया है, जो हम पहले से बनाते आ रहे हैं, जहाँ हमने विंडोज़ लगाए हैं, उसके बाद स्टेयरकेस और डोर हमने लगाए हैं। बट जो ऊपर वाला जो यहाँ पर आपको प्लान देखने को मिल रहा है, ये सिमिलर है नीचे वाले के, लेकिन इसके अंदर हमने प्रोजेक्शन निकाल दिया है, जिससे मैं आपको यहाँ पर रेलिंग क्रिएट करके दिखाऊं। और जो यहाँ पर जो ये विंडो है, इसको मैंने यहाँ पर एक स्लाइडर से, जो स्लाइडिंग डोर होता है, उससे रिप्लेस कर दिया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूँ, अगर आपने जो पुरानी जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, जहाँ पर स्टेयरकेस मैंने बनाई थी, स्टेप्स बनाई थी, तो आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फेस सेलेक्ट कर लेना है, वो इसलिए कि हमें यहाँ पर एक 9 inches की बॉल की बाउंड्री चाहिए, जो सबसे जो बेस बॉल की जो बाउंड्री होती है, जब हम रेलिंग क्रिएट करते हैं उस समय हमें ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पर 9 inch की बॉल बाउंड्री बॉल ले लेता हूँ। तो हमें सिर्फ 3-sided नीड है इस समय, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। और फिर हमें क्या करना है, हमें जो ये एरिया हमने 9 inch की जो बॉल बनाई है 3 side में, वहाँ पर हमें क्या करना है, इसको पुल कर लेना है 9 inches। तो मैंने यहाँ पर पुल कर लिए इसको 9 inches। तो बेसिकली अब हमें इसके ऊपर रेलिंग क्रिएट करनी है, जो स्टेनलेस स्टील आप चाहते हो या IMS वगैरह, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप इसके ऊपर मटेरियल भी बाद में डाल सकते हो। तो सबसे पहले जो एक बेसिक मॉडल होता है, जो रेलिंग का जो पिल्लर होता है, जो बेसिकली यहाँ पर जो हैंडरेल है, वो उसकी वजह से स्टैंड होती है, तो वो सबसे पहले हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्कल ले लेता हूँ, और उसका जो रेडियस है वो मैं डाल देता हूँ 1.5, जिससे इसका डाया जो डायमीटर है वो 3 inches के पास, 3 inches मुझे मिल जाएगा। उसको मैं ग्रुप बना लेता हूँ, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 9 inches मैंने लिया था। उसके बाद मैं इसको 2 feet कर देता हूँ, क्योंकि हमें आगे नेक्स्ट प्रोसेस करनी है, तो मैं इसको यहाँ पर 2 feet कर देता हूँ इसकी जो हाइट है। उसके बाद हम देखते हैं जो रेलिंग की डिटेल होती है, आप रेफरेंस ले सकते हो। तो रेलिंग की डिटेल के अंदर हमें जो बीच के अंदर एक और सर्कल देखने को मिलता है, तो वो हम बना लेते हैं। हमें ऑफसेट टूल लेना होगा, ऑफसेट टूल को हमें 0.75 कर देना होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हो चुका है, अगर आप इससे ज़्यादा रखना चाहते हो तो आप 1 भी रख सकते हो। मैं अभी यहाँ पर 1 रख देता हूँ, और फिर मैं इसको पुल कर लेता हूँ 6 inches। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक जो बेसिक जो मॉडल होता है स्टेनलेस स्टील का, वो हमने बना दिया है। अब हमें करना क्या है, हमें इनको अरेंज करना है। हमारे जो ये वॉल हमने ली है 9 inches की बेस जो वॉल है वो हमने ली है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अरेंज कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक बार अरेंज कर देता हूँ, जिससे ये हमें एक तरीके से यहाँ पर जो इसके जो यहाँ पर हमने बेस बनाया है, जो पिलर बनाया है, वो तरीके से हमें दिखाई दे। तो इसको सबसे पहले डिवाइड करने के लिए मैं आपको आज डिवाइड टूल के बारे में बता रहा हूँ, कि आप डिवाइड कैसे कर सकते हो लाइन को। तो हमें इस लाइन को ले लेना है, उसके बाद आपको लाइन सेलेक्ट करनी है जो आपने अभी भी लाइन बनाई है, और आपको राइट क्लिक करना है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ये मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे डिवाइड टूल के नाम से, आपको डिवाइड के नाम से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ये पॉइंट देख पा रहे हैं आप, अभी ये 2 में डिवाइड हो चुका है, आप अभी ये 1 में, मतलब 2 पोर्शन में, और अभी ये 3 के अंदर। ऐसा आप जितने पिलर्स लगाना चाहते हो रेलिंग के, वो आप लगा सकते हो। अभी मैं यहाँ पर इतने ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इतने सारे जो पिलर लगाना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ले लिया। और इसकी साइज जो लेंथ है, 2 pillar के डिस्टेंस है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, 4 feet के अराउंड आ रही है। तो मैं इसको एक बार यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद मुझे इसमें जाना है और इसको मूव टूल के साथ कंट्रोल करना है कॉपी करने के लिए। और आप जैसे आगे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर पॉइंट शो होने लगेगा ऑटोमेटिकली। आप थोड़ा आगे जाइए इसको पेस्ट करने के लिए, तो ऑटोमेटिक आपको पॉइंट शो होगा। अगर नहीं आपको पता लग रहा है, तो आप इसके ऊपर लाइन के ऊपर जैसे क्लिक करोगे, तो आप देख पा रहे यहाँ तक ये ब्लू हो रहा है, उसके बाद ये ब्लैक, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आपका नियर बाय कोई पॉइंट आ रहा है, आप उसको मार्क भी कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ जाकर ये कोई पॉइंट मेरा यहाँ मैं ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको मल्टीपल टाइम कॉपी कर लेता हूँ, अब आप देख सकते हैं मैंने इसको मल्टीपल टाइम कॉपी कर लिया। तो बेसिकली इससे हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूँ, इससे मुझे सिमिलर डिस्टेंस के ऊपर एक बार में ही सारे के सारे जो मैंने पिलर बनाए थे वो मिल चुके हैं। आप ऐसा डिवाइड करके भी कर सकते हो, और उसके बाद आप चाहे तो इस वॉल
इस वाली जो ये आ रही है लाइन, इसको आप हटा सकते हो। लेकिन आप अगर इसको रखे रहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें आगे काम आने वाली है। बट उसके लिए हम अलग से एक लाइन बना लेंगे। तो बेसिकली लाइन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें फॉलो मी टूल के जरिए जो आगे की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। तो हम एक पाथ क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है इसको। आप अगर अंदर क्लिक कर सकते हो तो आप अंदर जाके फेस पे क्लिक कीजिएगा जिससे तरीके से बने, और यहाँ जाकर आप इसको मैच कर दीजिएगा। उसके बाद हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इस लाइन को जिससे हमारा जो पाथ बने वो सही बने, हमें उससे बार बार एडजस्ट ना करना पड़े। तो देख पा रहे हैं मैंने एक पाथ बना लिया। उसके बाद अब करना क्या है, अभी ये सर्कल के अंदर ही चल रहा है तो मैं इसको डबल क्लिक करते हुए ये जो पाथ है उसको एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ 4 inches अप्रोक्सली। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक और सर्कल बना देता हूँ 0.25 का। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हो तो मैं यहाँ पर 0.5 का ले लेता हूँ, या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा भी चलेगा तो 0.75 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको ग्रुप बना देता हूँ, साथ में जो ये लाइंस मैंने सेलेक्ट की थी इसको भी ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ। तो आप कट करके यहाँ पर अंदर जाइए ग्रुप में, और यहाँ आप पेस्टिंग प्लेस का ऑप्शन देख रहे होंगे, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप देख पा रहे अभी हमने ये पाथ सेलेक्ट कर लिया है, आप चाहे तो इसको पाथ को फिर से सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन वो सेलेक्टेड था। उसके बाद जो फॉलो मी टूल होता है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ फॉलो मी टूल से क्या होगा। हम जैसे इसको इसके फेस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉलो मी टूल के जरिए पूरा का पूरा इसको कवर कर देगा। तो बेसिकली एक बार मैं टूल बार से फॉलो मी टूल निकाल लेता हूँ, आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एडिट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये फॉलो मी टूल आ चुका है, तो मैं इसको यहाँ अरेंज कर देता हूँ। उसके बाद ये फॉलो मी टूल है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो फेस है उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरे के पूरे पाथ के ऊपर कॉपी हो जाएगा। तो बेस्ट टूल है ये आपके लिए, जो आगे और भी आपके बहुत काम आएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो मैं इसको अब कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको फिर से इसकी डिस्टेंस रख रहा हूँ 4 और इसको मल्टीपल टाइम कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे सिर्फ इसको यहाँ तक रखना है, उसके बाद फिर हम इसकी जो हैंडल है वो बनाएंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ, और आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। आप देख पा रहे हैं हमारी जो एक सिंपल जो बेसिक जो मॉडल होता है वो बन चुका है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमने हैंडल नहीं बनाई है। अगर आप चाहें तो हैंडल भी बना सकते हैं। तो हैंडल बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या करना होगा। फिर से हमें एक पाथ क्रिएट करना होगा, या फिर अगर आप वो पाथ कॉपी कर लिए होंगे तो आपके बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मैं एक बार मैंने उसको कॉपी नहीं किया था, तो मैं एक बार इसको जल्दी से एक पाथ बना देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पॉइंट शो हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद मैं जो इसका जो हमने ये पोल बनाया था उसके जो लास्ट एज पे जाता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको पॉइंट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। उसके बाद अंदर से भी अगर आप चाहें तो एडजस्ट कर सकते हो, या जब थोड़ा बहुत बन जाए तो उसके बाद भी एडजस्ट कर सकते हो। फिर हमें डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है लाइन को, और इसको मूव कर देना है यहाँ पर एक बार के लिए। उसके बाद आप इसको अगर सर्कल, या फिर अगर आप जो वुडन वाला रखना चाहते हो तो आप उसका जो आपको मॉडल फेस क्रिएट कर लेना होगा। अभी मैं इसको सर्कल में रख लेता हूँ, तो मैं इसका 2 inches रख लेता हूँ। तो 4 जो मेरे को इसका 4 inches है वो डाया मिल चुका है, और इसको मैं एक साथ ग्रुप बना देता हूँ, इससे ईजी रहे ग्रुप के अंदर। और अब इसकी पाथ को सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर से। तो इसके पाथ को आप सेलेक्ट कर लीजिए, और जो फॉलो मी कमांड है टूल है उसको इनेबल करके आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक हैंडल भी हमने बना लिए। अगर आपको ये ज़्यादा थिक लगे तो आप इसको कम भी कर सकते हो। अभी ये ज़्यादा थिक लग रही है तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको कम भी कर देता हूँ। मैं इसको 0.25 कम कर देता हूँ, ये जो बाहर वाला फेस है इसको हटाकर। फिर से मैं जो पाथ है उसको सेलेक्ट करके फॉलो मी जो टूल है उसका इस्तेमाल करके मैं इसको बना लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं हमने एक बेसिक जो हैंडल का जो रेलिंग का मॉडल होता है विद हैंडल हमने बना लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आप इसको ग्रुप बना लीजिए जिससे आप इसके अंदर एक साथ मटेरियल पुट कर सके। अब मैं एक बार इसके अंदर आपको मटेरियल डाल के दिखा देता हूँ। तो मैं इसके अंदर ब्लैक एंड ग्रे का मटेरियल एक बार डाल देता हूँ जिससे आपको समझ में आता रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रे वाला लेता हूँ, और ग्रे से मैं एक बार इसको डिनोट करता हूँ यहाँ पर जो पोल्स है उनको। तो मैं इन पोल्स के ऊपर ग्रे कलर कर रहा हूँ। और उसके बाद जो आप यहाँ पर जो हमने बीच के अंदर जो रेलिंग्स बनाई थी आप उनको डार्क कर दीजिए। एक बार समझने के लिए मैं उनको डार्क कर देता हूँ यहाँ पर।
और जो ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं कम्प्लीटली डार्क कर देता हूँ। तो आप देख पाएंगे हमने जो एक बेसिक जो मॉडल होता है रेलिंग का वो कम्प्लीट कर लिया है। अगर आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रुकिए, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।